तो हेलो गाइस, ये रहा हमारा जो है वीवो Y70 फ़ोन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो 3 कैमरा और यहाँ पे है फिंगरप्रिंट और फ्लैश लाइट। और इसका रैम है, इस फ़ोन का रैम है जो है 4GB रैम। आप लोगों को वीडियो बढ़ाना हो जाए इसलिए दिखाऊंगा नहीं, लेकिन अब यहाँ से मैं ग्राफिक्स को दिखा देता हूँ पहले। सबसे पहले तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ग्राफिक्स में जाओ तो HD अल्ट्रा और कर सकते हो एक्सटेंडर होता है देखते तो हाँ हो जाते हैं। तो ग्राफिक्स बहुत हाई हो जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफिक्स कितना हाई हो गई। तो अब मैं यहाँ से सोलो करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादातर सोलो खेलता हूँ तो लैग नहीं होता। लैग वैसे भी ये फ़ोन में नहीं होगा क्योंकि 4GB रैम है और प्रोसेसर भी अच्छा खासा है इलो का। तो स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो क्लियरिटी, और यहाँ से मैं अच्छा से कर रहा हूँ तो फिर भी लैग बैग नहीं हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो लैग नहीं हो रहा, आराम से चल जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे जाऊँगा कहाँ पे, तो विलेज पे कूदेंगे, विलेज ना यहीं पे कूद लेते हैं। तो जाम करते हैं। वाह, ग्राफिक्स बहुत अच्छा है और इसमें चल जाता चल रहा है बहुत अच्छा से, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे 2-3 बार अटक रही है शायद नेटवर्क प्रॉब्लम। वो ग्राफिक्स तो बहुत अच्छा क्वालिटी का आप लोग देख सकते हो। और एक बात, आप जो वीडियो बनाने के बाद खेलना बहुत ही मुश्किल होता है, और आप लोग तो बॉट बॉट करते रहते हो नूबरे तो खेल नहीं सकता। लेकिन जब वीडियो बनाता हूँ ना खेलने में बहुत ही तकलीफ होता है, लेकिन आप लोग जो है मजाक उड़ाते हो। कहाँ पे एनी भी कहाँ रही है, मेरे पास एमओ खत्म हो गई। ओ ग्राफिक्स क्वालिटी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, वो बहुत ही खास ग्राफिक्स है। यहाँ पे पेड़ का जो शेडो आप लोग देख सकते हो, शेडो का व्यू हमें अब उस साइड पे जाना है। और 6 बंदा लाइव, मतलब बॉट ही तो होगा। चीटिंग
तो इतना आसानी से चिकन डिनर बन गया क्योंकि ये बॉट अकाउंट था, मतलब नया अकाउंट है, इसलिए हम लोग इतना तेज़ी से चिकन डिनर मिल गया और अच्छा खासा चल जाता है। लेकिन आप लोग क्या है, बैलेंस पे खेलना और ग्राफिक्स जब हाई करोगे तो लैग होता है और नेटवर्क का भी यहाँ पे प्रॉब्लम था। तो अभी लेट्स गो पे जाते हैं और हैशटैग #1 और ये है 15 किल, बॉट ही था, हर कोई बॉट ही था, तो कोई नहीं, लेकिन अच्छा से चल जाता है इसमें। तो इतना ही कहना था, शायद आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगेगा और चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना, करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दियो।